दावा यह भी किया जाता है कि ड्रैगन की कोरोना वाली साजिश से जुड़ा एक एक सबूत, विषाणु के पैदा होने से लेकर फैलने तक का डॉक्यूमेंट वुहान के इसी मेडिकल सेंटर के स्ट्रांग रूम में कैद था। लेकिन चीन इन सारी बातों से इनकार करता रहा। ड्रैगन दुनिया के सामने ये दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस उसकी साजिश नहीं, बल्कि वो खुद इस घातक वायरस का शिकार है। इसी बीच चीन ने वुहान की लैब को लेकर एक और दावा किया। वियतनाम के हैकर्स ने वुहान की लैब पर साइबर अटैक किया, मेडिकल सेंटर की लैब के सीक्रेट ईमेल और पासवर्ड को हैक किया। हैकर्स ने लैब से जुड़ी खुफिया जानकारियों को भी चुरा लिया। इतना ही नहीं, लैब में मौजूद सुपर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को क्रैश कर दिया। चीन कुछ भी दावा करे, लेकिन दुनिया चीन को शक की निगाह से देख रही है। जिस तरह वुहान से निकले वायरस को सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा रहा, ठीक उसी तरह वुहान की लैब पर हैकर्स के अटैक की मिस्ट्री ने भी हर किसी को चौंका दिया है। क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के वायरस वाली साजिश को लेकर सख्त जांच की बात कही है। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. अमेरिकी प्रेसिडेंट को बयान दिए हुए 24 घंटे का भी वक्त नहीं बीता था, उससे पहले ही चीन ने वुहान की लैब में हैकर्स के अटैक की थ्योरी दुनिया के सामने पेश कर दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही चीन को कसूरवार ठहरा रहा है, बल्कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्क भी चीन को कोरोना वाली साजिश का सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं, चीन के रवैये पर सवाल खड़े करते हैं। चीन की हैकर्स वाली थ्योरी पर सस्पेंस इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने दुनिया के सामने सबूतों के साथ ये आरोप लगाए थे कि चीन के हैकर्स ने दुनिया भर के बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पर अटैक किया है, यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और NIH को हैक किया। हैकर्स ने NIH के तो 9938 ईमेल और पासवर्ड तक चुरा लिए थे। इसके अलावा बिल गेट्स की संस्था को भी निशाना बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं चीन का झूठ अब बेपर्दा हो रहा है, क्योंकि सच सामने है। और सच्चाई यह है कि जब चीन पर दुनिया के मेडिकल और हेल्थ सेंटर्स पर हैकर्स के जरिए अटैक का आरोप लगा, तो खुद को पाक साफ दिखाने के लिए चीन ने इसी हथकंडे का इस्तेमाल किया। क्योंकि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर हैकर्स का अटैक करना बेहद मुश्किल है। चीन की